खास खबरों पर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नगर जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए हजरत नियाज अली सरकार ने चादर पेश की और दुआ की उनकी लंबी उम्र के लिए। इस दौरान अध्यक्ष मंजूर अहमद, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शकील राज, नियाज अली सरकार के अध्यक्ष आसिफ मुल्तानी बबलू पवार, मीडिया प्रभारी रिजवान भारती, नगर मंत्री इसु पठान, नदीम नागोरी, इरशाद खान, तौसीफ अहमद उपस्थित रहे। आज हमने नियाज अली सरकार की दरगाह पर चादर पेश करी है। अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा और जिला वक्फ कमेटी के द्वारा चादर पेश की गई है। जो परसों घटना हुई थी, पंजाब सरकार के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जान को खतरे में डाला गया था, उसी के इसलिए हमें चादर आज पेश करी और उनसे चादर पेश कर सरकार से दुआ मांगी है कि हमारे ऐसे वजीर आला जो इतने अच्छे हैं उनकी उम्र दराज करें और सारी तकलीफ टेंशन को उनको दूर करें। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम के लिए? आवाम को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को टारगेट करने की कोशिश कर रही, इस ओछी हरकतें कर रही है, उससे दूर हो जाए। और जनता ये सब चीज़ देख रही है, आम लोग भी उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन कर रखा है, ऐसे प्रधानमंत्री हर आदमी दुआएं मांग रहा है उनके लिए। आपका शुभ नाम? शकील राज, जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्ट इंडिया न्यूज़, इंदौर।